1556, ये वो दौर था जब पानीपत की दूसरी लड़ाई चल रही थी। 5 नवंबर का दिन था। हेमचंद्र विक्रमादित्य जंग के मैदान में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। बेहोशी के हालत में अपने हाथी पर सवार राजा हेमू को दुश्मन सैनिकों ने बंदी बना लिया और अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह जो एक 13 साल का बच्चा था, उसने बेरहमी से घायल राजा हेमू का सर कलम कर दिया। उस कटे हुए सर को काबुल भेज दिया गया और दिल्ली दरवाजे के बाहर टांग दिया गया। सर कटे शरीर को दिल्ली के पुराने किले के एक दरवाजे पर लटका दिया गया। उसके बाद बादशाह ने राजा हेमू के सैनिकों का पीछा कर उनका सर काट कर लाने का आदेश दिया। एक एक सैनिक को पकड़कर उनके सर काट दिए गए और एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल करके उन सभी कटे हुए सिरों का एक टावर खड़ा कर दिया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लड़ी गई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामने अपनी तलवार लिए खड़े वो 13 साल का बादशाह, वो पत्थर दिल शासक जिसने उन सैनिकों का सर काट कर उन सिरों से एक इमारत बना डाली, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे इतिहास के लोकप्रिय बादशाह अकबर द ग्रेट था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल सल्तनत के सबसे फेमस और कामयाब बादशाह, भारत के मिडिवल हिस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसके बारे में आपने आज तक शायद ही कभी कुछ बुरा सुना हो। अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 1542 को राजपुताना के अमरकोट में हुआ था। उसका बचपन शिकार करने, वॉर टैक्टिक्स सीखने और लड़ाई करने में बीता। 9 साल की उम्र में उसे गजनी का गवर्नर बना दिया गया। 1556 में जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हुई, तब वो केवल 13 साल का था। पिता की मौत के बाद पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी अकबर के कंधों पर आ गई। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने कई नीतियों को लागू किया जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की ताकत मजबूत हुई। अकबर सभी धर्मों को एक समान देखता था। उसने हिंदू राजाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बाबर के समय से चला आ रहा जिजिया टैक्स, जो नॉन मुस्लिम्स को भरना पड़ता था, अकबर ने उसे भी खत्म किया। उसने कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की ताकि वो पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म का प्रचार कर सके। अकबर का कोई भी फैसला कभी किसी धर्म के फेवर में नहीं होता था, पर इन सब फैसलों के पीछे एक अच्छे इंसान का दिल नहीं बल्कि एक शातिर बादशाह का दिमाग था। अकबर सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता था, लेकिन अच्छाई की इस नकाब के पीछे छुपा था अकबर का असली चेहरा, वो चेहरा जिसके बारे में हमें किसी मूवी या टीवी सीरीज में नहीं बताया गया, ना ही कभी किताबों में पढ़ाया गया। उसका हर फैसला एक शतरंज का चाल की तरह था, वो चाल जो वो सत्ता में बने रहने के लिए चल रहा था। इस खेल की शुरुआत पानीपत की दूसरी लड़ाई से ही हो गई थी। अब अकबर भारत की हर दिशा में मुगल साम्राज्य को फैलाने में लग गया था। उत्तर और मध्य भारत पर कब्जा करने के बाद अकबर की नज़र राजपूताना पर पड़ी। उसने धीरे धीरे राजपूत साम्राज्य पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। 1567 में बारी आई मेवाड़ की कैपिटल फोर्ट सिटी चित्तौड़गढ़ की। 4 महीने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल सेना की जीत हुई और मुगल सैनिक फोर्ट में घुस गए। फोर्ट के अंदर कई राजपूतानियों ने अपनी मान की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे दी। फोर्ट पर कब्जा करने के बाद अकबर ने चित्तौड़ के आम जनता को मार डालने का आदेश दिया। इस मैसेकर में लगभग 30,000 हिंदुओं का खून कर दिया गया, जिनमें निर्दोष किसान, आम नागरिक, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। बचे हुए लोगों को गुलाम बना दिया गया। इसके बाद फोर्ट में बने हुए मंदिरों की भी तोड़फोड़ की गई। चित्तौड़ पर अपनी जीत की खबर बाकी गवर्नर्स तक पहुंचाने के लिए अकबर ने फतनामा ए चित्तौड़ जारी किया, जिसमें उसने इस जीत को हिंदू काफिरों पर इस्लाम की जीत कहकर एड्रेस किया और कहा कि जब तक हमारे अंदर ताकत है,
हमें इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। इस जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी का कंस्ट्रक्शन करवाया। हिस्ट्री बुक्स की माने तो अकबर सभी धर्मों की इज्जत करता था, लेकिन हिंदू वैल्यूज की अपमान करने में अकबर भी कभी पीछे नहीं रहा। वो हत्या किए हुए हिंदुओं का वजन उनके जनों से नापता था। चित्तौड़ के लड़ाई में जितनी भी हिंदुओं का खून किया गया था उनके जनों का वजन कुल मिलाकर 2980 किलो था। दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए अकबर ने कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। अकबर ने नागरकोट के एक मंदिर पर हमला किया। उस मंदिर की सेवा करने वाले सभी ब्राह्मणों को मार दिया गया। अकबर जिसने गौ हत्या पर रोक लगाई थी उसी के सेना ने उस मंदिर में पलने वाले 200 गायों पर तीर बरसाकर हत्या कर दी और फिर उन सैनिकों ने अपनी जूतों में खून भरकर उस मंदिर के चारों तरफ फैला दिया। और तो और अकबर ने हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर में बरसों से जल रही ज्वाला को भी बुझाने की बहुत कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब हुआ था। ज्वाला देवी की ताकत को एक्सेप्ट करके अकबर ने फिर उस मंदिर में एक सोने की छतरी चढ़ाई। कहा जाता है कि देवी ने उसके ऑफरिंग को रिजेक्ट कर दिया और वो छतरी चढ़ाते ही दूसरे मेटल की हो गई। इसके बाद अकबर प्रयागराज गया। प्रयागराज जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान माना जाता है, इस जगह पर कंट्रोल बनाने के लिए अकबर ने वहाँ एक फोर्ट बनाने का आदेश दिया और फिर प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, जिसे शाहजहां ने बाद में बदलकर इलाहाबाद कर दिया। फिर 1578 में अकबर ने खुद को गाजी का टाइटल दिया। गाजी मतलब नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़ने वाले एक मुस्लिम योद्धा। आयरनी ये थी कि 1578 में अकबर ने इबादत खाने में एक अलग अलग रिलीजन के स्कॉलर्स को हर रिलीजन के वैल्यूज को डिस्कस करने के लिए आमंत्रित किया। 1582 में अकबर ने सारे धर्मों की वैल्यूज को मिलाकर एक नया धर्म इस्टेब्लिश किया। इस धर्म का नाम था दीने इलाही। ये धर्म 1578 से 1582 के बीच इबादत खाने में हुए डिस्कशंस का रिजल्ट था। इन 5 सालों के बीच 1579 में ही अकबर ने जिजिया टैक्स पर रोक लगा दी। तो अब अगर अकबर सच में नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ था तो फिर ये सेकुलरिज्म का नाटक क्यों? अकबर ने 16वीं सदी में वो किया जो आज हम पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। खुद को गाजी कहने वाला एक मुस्लिम रूलर अचानक से सेक्युलर बन गया। दीने इलाही धर्म का प्रचार करने के लिए और सल्तनत के लोगों के सामने अपना औहदा और ऊंचा करने के लिए ये सारे बदलाव सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी। यही नहीं, अकबर ने जितनी भी राजपूत राजकुमारियों से शादी की उसका कारण कोई सभी धर्म सम्मान की सीख नहीं बल्कि केवल एक राजनीतिक सौदा था जो कि अकबर हारे हुए राजाओं से राज्य के बदले करता था। यहाँ तक कि जोधा अकबर की जो प्रेम कहानी हमें फिल्मों में दिखाई जाती है वो भी झूठी है। असल में अकबर की कोई जोधा नाम की रानी थी ही नहीं। आमेर की जिस राजकुमारी से अकबर ने शादी की थी उनका नाम हरकाबाई था, जिनके भाइयों को अकबर ने हॉस्टेज बना लिया था और इसीलिए ये शादी भी एक राजनीतिक सौदा थी। अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े उनके पीछे एक मकसद ये भी होता था कि वो हारे हुए राजाओं की औरतों को अपने हरम में लाकर रख सके। हरम अकबर के महल का वो हिस्सा था जहां सारी औरतें रहती थी। विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखा था कि अकबर पोजेस्ड एन इनऑर्डिनेट लस्ट फॉर वुमेन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अकबर की अपनी गार्डियन बैराम खान की मौत के बाद उनकी बीवी सलीमा सुल्तान बेगम से जबरदस्ती निकाह किया था। अकबर के हरम में 5000 से भी ज्यादा औरतें रहती थी। उनमें से 300 अकबर की बीवियां थी और बाकी बची हुई दासियां, कनीजे और गुलाम थी। हर लड़ाई के साथ उसका हरम का आकार भी बदल जाता था। लड़ाई जीतने के बाद बंदी बनाई हुई औरतों को अकबर एज सेक्स स्लेव्स अपने हरम ले जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि युद्ध के बाद अकबर के सैनिक रानियों के डेड बॉडीज से भी सेक्सुअल अब्यूज करते थे। यही कारण था कि मुस्लिम रूलर्स के लड़ाई में जीत जाने के बाद राजपुतानियां जौहर कर लेती थी। शाही हरम में अकबर के अलावा कोई आदमी अलाउड नहीं था।
इस डर से कि कहीं हरम की औरतें किसी से छुप कर ना मिले या कोई चुपचाप अंदर ना घुस आए, उसने हरम पर कड़ा पहरा लगाया था। यहाँ तक कि वहाँ पहरा देने वाला कोई सिपाही मर्द नहीं था। हरम की सुरक्षा के लिए अकबर ने ट्रांसजेंडर्स को अपॉइंट किया था। इन्हें खास मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और ये दूसरे सैनिकों से ज्यादा ताकतवर होते थे। हरम की औरतें इनसे डर कर रहती थी। ये ट्रांसजेंडर्स अलग अलग बैकग्राउंड से थे, कुछ बाइसेक्सुअल्स थे और कुछ को सजा के तौर से कैस्ट्रेट कर दिया गया था। मुगल हरम में पर्दा की भी ट्रेडिशन थी, जिसके हिसाब से हरम की सभी औरतों को अपने से बड़ी औरतों के सामने घूंघट लेना होता था। और तो और शादी के कुछ साल बाद तक उन्हें हरम के बड़े बूढ़ों से डायरेक्टली बात करना भी अलाउड नहीं था। अकबर के हरम में ऐसे ना जाने कितने राज छुपे हुए थे जो हरम के अंदर ही दफन हो गए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, पर कहा जाता है कि असल में उस समय अकबर के लोग किसी भी सुंदर स्त्री को सती होते हुए देखते थे तो उसे जबरदस्ती से रोककर हरम में डाल देते थे। अकबर की क्रूरता यहाँ खत्म नहीं होती है। ऐसे कई पहलू हैं जो शायद कभी सामने ही ना आए। अकबर के बारे में पढ़ने लिखने वाले कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अकबर ने अपनी टेन्योर की शुरुआत में भले ही अत्याचार किया, पर अपने शासन के दूसरे भाग में उसने सहनशीलता और सेक्युलरिज्म का उदाहरण दुनिया के सामने रखा। ये भी कहा जाता है कि अकबर अपने पूर्वजों और सक्सेसर से कम बारबेरिक था। उसने बाकी मुगल शासकों के मुकाबले कम नॉन मुस्लिम्स की हत्या की थी, कम मंदिर तोड़े थे और इसीलिए वो बाकी मुगल राजाओं से तो काफी बेहतर ही था। क्या ये सारी बातें किसी भी तरह से उसकी अपराधों को जस्टिफाई करती है? और जैसे कि हम पढ़ते और देखते हुए आए हैं, क्या सच में अकबर एक काबिल और महान राजा था? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे नायाब फैक्ट्स के वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।